हेलो दोस्तों, स्वागत है देवरानी जेठानी किचन में। तो आज हम लोग बनाएंगे सूखी गोभी का सब्ज़ी। इसका सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनता है और बरसात का सीज़न में थोड़ा सब्जियां कम मिलता है, तो इसका सब्ज़ी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सूखी गोभी का सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर सूखी गोभी लिए हैं और इसको रात भर हमने पानी में भिगो करके रख दिए थे और थोड़ा उबाल लिए हैं 5 मिनट तक। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो चुका है। और यहाँ पर हमने 1/2 kg आलू लिए हैं, इसको उबाल करके छिलका उतार लिए हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं, देख सकते हैं बारीक कट कर लिए हैं। और यहाँ पर हमने 2 आलूओं को मिक्स कर लिए हैं ग्रेवी के लिए, इससे थोड़ा ग्रेवी मोटा हो जाता है। और यहाँ पर हमने 4 बड़े साइज के प्याज लिए हैं, इसको हमने बारीक कट कर लिए हैं। और मसाला में हमने लिए हैं 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर है। और तड़का में हमने लिए हैं 2 लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ता और 1/2 चम्मच जीरा और 1 गांठ लहसुन को हमने बारीक कूच लिए हैं। तो चलिए चलते हैं गैस के पास। तो मेरा कढ़ाई गरम हो चुका है, हमने कढ़ाई पहले से ही गरम कर लिए हैं। तो इसी में हम 1 बड़े चम्मच तेल डालेंगे सरसों का और इसी में हम अपना गोभी का सूखी फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होता है, जो इसमें एक्स्ट्रा पानी रहता है वो निकल जाता है और सब्ज़ी टेस्टी बनता है। तो मेरा गोभी का सूखी फ्राई हो चुका है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसी कढ़ाई में हम फिर से 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो हम तड़का के लिए जो सामग्री लिए हैं उसे डाल देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब यहीं पर हम जो तड़का के लिए लिए हैं सामग्री वो डाल देते हैं। और जैसे ही तड़का जल जाएगा तो हम प्याज डालेंगे। तो तड़का हमारा जल चुका है, अब यहीं पर हम प्याज डाल देते हैं और प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे इसको। तो देखिए मेरा प्याज गल चुका है और कितना सॉफ्ट भी हो चुका है। तो मेरा प्याज का कलर चेंज हो चुका है, अब यहीं पर जो हमने मसाला लिए थे उसका घोल बना लिए हैं और यहीं पर हम डाल देंगे मसाला। और मसाला को हम अच्छे से भूनेंगे 5 मिनट तक चलाते हुए। तो मेरा 5 मिनट हो चुका है और मसाला में चारों तरफ से तेल छोड़ दिया है, देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ चुका है। अब इसको हम अब यहीं पर हम डालेंगे आलू और गोभी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलाते हुए। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे मसाला के साथ और यहीं पर स्वाद अनुसार हम नमक डाल देते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि मेरा मसाला मिक्स हो चुका है, अब इसको हम थोड़ा देर और पकाएंगे मसाला के साथ। तो मेरा मसाला के साथ सब्ज़ी पक कर तैयार हो चुका है। ग्रेवी के लिए हम पानी ऐड कर देते हैं, तो आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। हम 2 कप पानी ऐड किए हैं, देख सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से उबाल आने तक पकाएंगे 5 मिनट तक, इसको ढक कर के पका लेते हैं। तो मेरा ग्रेवी में उबाल आ चुका है, अब यहीं पर हम गरम मसाला डाल देते हैं और गरम मसाला के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा देर और पका लेते हैं। तो मेरा सब्जी बन कर के तैयार हो चुका है, अब इसको हम उतार लेते हैं, एक बर्तन में रख करके दिखाते हैं। तो लीजिए मेरा सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुका है,
आपको मेरा सब्जी बनाने का तरीका कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।